दोस्तों अभी जो ये बोर्ड आपको मेरे पास दिख रहा है ये मल्टीपल सप्लाई के लिए वर्क करता है। इसके अंदर से आप अलग अलग तरीके के 3 आउटपुट ले सकते हैं और यहाँ से आपको ट्रांसफार्मर लगाना है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर कुछ फिल्टर कैपेसिटर लगे हुए हैं और ये 4 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं जो कि आपके पावर सप्लाई को डिवाइड करेंगे। अगर पहले ट्रांजिस्टर की बात करूँ तो इसमें 78/12 का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जिससे कि आपका सिंगल सप्लाई 12 वोल्ट यहाँ से आउटपुट मिलेगा और ये इस वाले से आपको 5 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा जिससे कि आप अपना ब्लूटूथ पैनल चला सकते हैं और इस वाले से आप अपना फ़ैन भी चला सकते हैं या फिर अगर आपके पास सिंगल सप्लाई वाला कोई बेस टेबल है तो उसे भी आप इससे चला सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जो पीछे 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं ये जो है डुअल सप्लाई पे काम करते हैं। एक इसका 78/12 है और एक 79/12 है। ठीक है, 79/12 आपका नेगेटिव सप्लाई के लिए होता है और 78/12 आपका पॉजिटिव सप्लाई के लिए होता है। यहाँ पे 3 कनेक्टर्स आपको लगे हुए मिलते हैं जिनमें कि आपका जो फर्स्ट वाला है वो ग्राउंड 12 वोल्ट मतलब सिंगल सप्लाई का 12 वोल्ट देगा डीसी में और जो दूसरा वाला ये 5 वोल्ट देगा डीसी में और ये जो तीसरा वाला है 12/0/12 ये प्लस और माइनस की सप्लाई देगा जिससे कि आप अपना कोई भी बोर्ड चला सकते हैं जो कि डुअल सप्लाई पे काम करता है। यहाँ पे दोस्तों ट्रांसफार्मर का इनपुट है तो यहाँ पे बेसिकली आपको 2 ट्रांसफार्मर लगाने पड़ेंगे जिससे कि आपका एक जो है डुअल सप्लाई आउटपुट दे और एक जो है आपका सिंगल सप्लाई आउटपुट दे। जो सिंगल सप्लाई आउटपुट देगा उससे आपके 2 यहाँ से आउटपुट मिलेंगे ओके, जो कि एक 5 वोल्ट होगा और एक आपका 12 वोल्ट होगा। और जो आप डुअल सप्लाई वाला ट्रांसफार्मर का यहाँ पे इनपुट देंगे वो यहाँ से आपका आउटपुट देगा डुअल सप्लाई में ओके। तो कुल मिला के कुछ इस तरीके का बोर्ड है। बोर्ड की क्वालिटी की बात करूँ तो आप खुद देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सारे जो कैपेसिटर है वो कैलरोन के लगे हुए हैं और हीट सिंक भी काफ़ी अच्छी से लगी हुई है जो कि दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। और साथ ही साथ दोस्तों जो इसका बोर्ड का फिनिशिंग है वो भी ग्लास से फिनिशिंग में आप देख सकते हैं। थिकनेस की बात करूँ तो इस बोर्ड की थिकनेस भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है, पतला नहीं है ओके। तो ईजिली माउंट भी हो जाएगा, इसमें होल्स भी दिए हुए हैं जिससे कि आप ईजिली अपने एम्पलीफायर में इसे माउंट कर पाए। और दोस्तों ये काफ़ी अच्छा बोर्ड हो जाएगा, आपको अलग अलग पावर सप्लाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग चीज़ों को डीसी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बोर्ड से आप सारे काम कर सकते हैं, बस आपको ट्रांसफार्मर कनेक्ट करना है। फिलहाल में ही मैंने एक एम्पलीफायर बिल्ड किया है जिसके अंदर एक ऐसा ही पावर सप्लाई यूज़ करके मैंने उसे 600 वाट का एम्पलीफायर बनाया हुआ है। अगर आप नीचे कमेंट करते हैं एम्पलीफायर वीडियो तो मैं उसकी वीडियो भी जल्दी आप लोगों के लिए बना करके ले आऊँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको इसका प्राइस पता है तो नीचे कमेंट करना, अगर आपको इसका प्राइस जानना है तो नीचे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा करके आप प्राइस भी देख सकते हो। अगर आपका मन करता है खरीदने का तो आप वहाँ से खरीद भी सकते हो। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए।